प्यारे बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम 3.2 तक का जितना भी हमारा सिलेबस था बेसिक था सब करा दिया हमने आपको हमारी एक्सरसाइज 3.1 पॉइंट हो चुकी है 3.2 के लिए जिन जिन बेसिक चीज़ों को आना हमारे लिए ज़रूरी है मैं उन चीज़ों को आपको करा चुका हूँ और अगर आप लोगों ने से किसी ने बच्चे ने अभी तक तो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्ले में जा सकते हैं प्ले में आपको क्लास एलेवन चैप्टर थर्ड टेक्नोमेटिक नाम से एक टॉपिक मिलेगा उसमें मैंने उसमें इस चैप्टर के जितने भी वीडियो है चैप्टर थर्ड की उसी में मिलेगी आपको सर चलिए एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू करते हैं बेटा बहुत आसान एक्सरसाइज है ये अगर आपने जो कल वाला लेक्चर था हमारा ना जिसमें हमने बेसिक बताया था मैंने इसका एक घंटे का अगर वो आप समझ गए तो आप थ्री पॉइंट टू चुटके में कर लोगे सर फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव टेक्नोमेटिक फंक्शन इन इन एक्सरसाइज है ना वन टू फाइव देखो मेरे पास एक क्वेश्चन ये कुछ क्वेश्चन है बेटा ठीक है ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कुछ पार्ट पार्ट दिया हमारा इसका पहला पार्ट है ठीक है मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट है इसका पहला पार्ट इज इक्वल टू ब क्या दिया मुझे ठीक है एक क्वेश्चन ये पहला एक क्वेश्चन दिया मुझे ये थ्री पॉइंट टू का पहला क्वेश्चन है तो मुझे कॉस एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस वन बाई टू दी हुई है हमें बताना है और एक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट मतलब जैसे यहाँ बताया गया अगर कॉस एक्स की वैल्यू वन बाई माइनस वन बाई टू है तो बाकी टिक्नोमेटिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मतलब भैया जैसे मुझे पूछ रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी टेन ते, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी कॉट एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी कौशिक एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी सेक्स एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी तो टोटल छः टिक्नोमेटिक फंक्शन होते हैं एक की वैल्यू तो दी हुई है मुझे बाद बाकी बचे में पाँच फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और ये ये बोला गया है कि हाँ कि जो एक्स है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है अब अगर प्यारे बच्चों अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरा चैप्टर नंबर थर्ड का सॉरी uh, कल का जो लेक्चर देखा होगा ना प्रीवियस लेक्चर तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाया था मैं चलो एक बार यहाँ समझा देता हूँ जो समझदार बच्चे हैं कि आप पहले फर्स्ट क्वारन फर्स्ट क्वार में क्या होता है ऑल पॉजिटिव यहाँ पर क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं नहीं सेकेंड क्वारन में क्या होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है ना सेकंड में होते हैं साइन और उसका इनवर्स कौशक ओनली ये पॉजिटिव होते हैं थर्ड में टेन और कॉड पॉजिटिव होता है ओनली बाकी सब नेगेटिव और फोर्थ में हमारे जो होते हैं सर्क कॉस और सेक क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होते हैं ये आपने पढ़ा है अब देखो कौशक एक्स वैल्यू माइनस वन बाई टू है अब मैं इसको सोल्व करना चालू कर रहा हूँ ठीक है अगर देखो बेटा कौशक एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू है तो सर मुझे पता है ना कि कौशक थीटा ये तो आपने टेंथ में पढ़ा है कि कौशिक थीटा देखो यहाँ पर एक्स के एक एंगल है एक्स मतलब थीटा है नहीं बोलते हैं थीटा कि इतना डिग्री तो एक्स एक, एक एंगल है यहाँ पर चाहे तुम कौशक थीटा बोलो चाहे कॉश एक्स बोलो बात एक ही है तो अब हमें पता था ना हमने क्लास टेंथ में पढ़ा था ना कि कौशक एक्स इज्वल टू तो क्या होता है वन अपोन में कॉश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वन अपोन में कौशक एक्स कॉश एक्स सॉरी मैं पे जाता हूँ सेक एक्स सो मैं पे जाता हूँ सेक एक्स बेटा क्या सेक एक्स या कोस थीटा बराबर हम लिखते थे वन पोन में सेक थीटा है नमें अगर सेक थीटा निकालना है अगर मुझे सेक थीटा निकालना है क्या बोलते थे सेक थीटा इजिकल टू वन पोन में कोस थीटा तो अगर मेरे पास कॉस की वैल्यू क्या है माइनस वन बाय टू है तो सेक की वैल्यू क्या होगी जो सेक की वैल्यू आ जाएगी जो से आ जाएगा सेक की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा हमारी आ जाएगी अगर कोस की वैल्यू माइनस वन बाई टू है तो सेक के उल्टा उल्टा हो जाएगा सेक आ जाएगा माइनस टू अरे कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ना उल्टा होता है ना तो कॉस माइनस वन बाई टू है तो सेक हो जाएगा माइनस का टू सेक आ गया कॉस आ गया सेक आ गया अब मुझे बाकी और निकालना है साइन टेन वगैरह बस क्योंकि अब ना मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी ब मुझे मेहनत करनी है साइन पर अब मुझे देखना अगर मुझे कॉस के साथ ऐसे अगर मुझे साइन निकालना है तो साइन कैसे निकाला जाए यार यार मुझे पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा थीटा मैं बोल थीटा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा एक्स यहाँ पर थीटा की जगह एक्स है क्या मैं थीटा बोलने की आदत पड़ी हुई है ना मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको भी आदत पड़ी हुई थीटा बोलने की ना मैं बोलूँगा थीटा पर लिखूंगा एक्स हैं ये पढ़ा ना हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन होता है न. तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना तो सर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस ये को स्क्वायर एक्स प्लस का है राइट साइड जगह हो जाएगा माइनस का तो माइनस को स्क्वायर एक्स मुझे तो सर मुझे साइन एक्स की वैल्यू चाहिए ना हमें तो साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो साइन एक्स इजिक्वल टू तो क्या हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स और ये इधर ये यहाँ पर स्क्वायर था इधर का क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा है ना अब प्यारे बच्चों जो रूट के अंदर के वैल्यू प्लस माइनस में आती है आप जानते ही हो साइन एक्स इजिक्वल टू तो वन माइनस कॉस दो कटे यहाँ ध्यान दो एक्चुअली क्या होता है ना कॉस जो है कॉस एक्स मुझे कॉस एक्स की वैल्यू क्या दे रखिए सर मुझे पूरे कॉस एक्स की वैल्यू दे रखिए माइनस का वन बाई टू तो कॉस एक्स की वैल्यू दे रखिए माइनस का वन बाई टू इसका स्क्वायर मैं आपको एक बड़े मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ एक्चुअली ना अगर मेरे पास ऐसा है कॉस कभी मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो प्यारे बच्चों ध्यान दो इसका मतलब पूरा ओवरऑल मतलब क्या होता है इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ ध्यान देना अगर कॉस स्क्वायर एक्स लिखा ना तो मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ कॉस है ना कॉस एक्स का पूरा स्क्वायर लिख सकता हूँ ये मैथ बेटा ऐसे इसको कर सकते हैं तो अगर मेरे पास जैसे यहाँ पर साइन एक्स बराबर क्या दिया हुआ है कॉस एक्स है ना तो सर मैंने क्या कर दिया जहाँ पर जो कॉस एक्स की वैल्यू कि पूरे कॉश एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास पूरे कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन बाय टू है तो मैंने क्या कर दिया इसको माइनस वन बाई टू का स्क्वायर कर दिया ठीक है अच्छा वन अधा अच्छा. माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा बेटा माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन पोन में फोर हो जाएगा है ना हो वजन हो जाएगा तो माइनस वन वन बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बाई फोर हो जाएगा ठीक है ये साइन एक्स आ जाएगा अब देखो बेटा थोड़ा अगर ये अब अगर इसको सोल्व करोगे अब आपको सोल्व करना आता है ना तो अगर आप इसको सोल्व करोगे ये जो मेरा प्लस मैंने चलता रहेगा यहाँ पर इसको सोल्व करोगे सर कितना आएगा ये ये आएगा तो रूट तीन बाई फोर रूट तीन बाई फोर आएगा बिल्कुल आएगा साइन एक्स बराबर देखो बेटा प्लस माइनस रूट तीन किसका स्क्वायर नहीं होता ऐसे आएगा सर फोर किसका स्क्वायर होता है तो फोर होता है टू का स्क्वायर ठीक हो जाएगा रूट थ्री बाई टू आ जाएगा मैं इसको बेटा यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ आप प्यारे बच्चों जरा एक चीज़ देखो क्योंकि एक चीज़ देखो बेटा यहाँ पर ये कर दिया आपने ये कर लिया ना अब आंसर तो प्लस माइनस मायनेस में आ रहा है अब या तो हमारा आंसर प्लस में ही आ सकता है या हमारा आंसर माइनस में ही आ सकता है अब देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉस एक्स इज इजिकल टू माइनस वन बाय टू एक्स लाई इन द थर्ड क्वाडेंट यहां लिखो एक्स लाई इन द थर्ड क्वाडेंट एक्स लाई इन द थर्ड क्वाडेंट एंड इन या इन थर्ड क्वाडेंट इन थर्ड क्वार साइन एक्स इज निगेटिव देखो भाटा जो हमारे पास एक्स जो एक्स है ना सर एक्स कहाँ लाई कर रहा है एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वार्डन में ये बताया गया था जो एक्स है ना एक्स मतलब कहीं कही ना कहीं बोलने के बताते जो कॉशक्स है जो एक्स है ना जो थीटा है जो एक्स कहाँ पर आ रहा है वो थर्ड क्वारन में आ रहा है तो यानी वो थर्ड क्वारन में आ रहा है एक्स एक्स आ रहा था, था थर्ड क्वार्डन में पहला दूसरा तीसरा तो अब देखो जो हमारा साइन है हमारा साइन जो है क्योंकि यानी यहाँ पर मैंने साइन की वैल्यू निकाली है प्लस माइनस या तो साइन प्लस का रूट तीन बाई दो हो सकता है या माइनस का ही हो सकता है पर देखो एक्स कहाँ आ रहा था बेटा एक्स आ रहा था तीसरे क्वार्डन में क्या तीसरे क्वारन में साइन प्लस का होता है नहीं सर तीसरे में तो साइन क्या होता है माइनस का सर थर्ड क्वार्डन में तो साइन होता है माइनस का इसलिए मैं क्या लिख दूँगा कि सर साइन जो एक्स की वैल्यू होगी सर साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा क्या रूम माइनस का आएगा माइनस का रूट तीन बाई दो ये आ जाएगा सर ठीक है तो सर सका एक्स की वैल्यू निकल चुकी निकल चुकी है और कॉस कॉस एक्स की वैल्यू तो मेरे पास पहले से दी हुई है और मैंने साइन की वैल्यू निकाल दी सर साइन एक्स की वैल्यू माइनस रूट बाई तीन दो माइनस रूट तीन बाई दो क्यों आई क्योंकि सर मेरे पास थर्ड क्वारंट में साइन माइनस होता है ठीक है अब आ चुका अब तो बेटा साइन आ चुका ना तो बट एक चीज़ को अगर मुझे बाय द वे अगर मुझे कोश एक्स एक्स लिखना है क्या लिखना है कोश एक्स एन एक्स निकालना है तो कोशकस एक्स किसका इनवर्स किसका इनवर्स होता है साइन का तो कोशक एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन में साइन एक्स लिख सकता हूँ मैं है ना तो देखो बेटा वन अपॉन में साइन एक्स लिख सकता हूँ तो यानी कि अगर मुझे कौशक एक्स निकालना है ना कौशक्स एक्स तो साइन का उल्टा कर दोगे है ना कौशक साइन का इनवर्स होता है ना उल्टा कर दोगे माइनस दो ऊपर और रूट तीन नीचे सर क्या आ जाएगा माइनस दो ऊपर और रूट तीन नीचे है हाँ ना सर ये बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी सर एक कॉशक्स एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है अब क्या रहेगा मेरे बटा टेन और कोट रह गया सर एक चीज बताओ टेन एक्स बराबर हमने क्या पढ़ा था सर हमने टेन एक्स बराबर पढ़ा था साइन एक्स अपोन में कॉश एक्स क्या पढ़ा था साइन एक्स अपोन में कॉश एक्स एक चीज को साइन एक्स कितना आया साइन एक्स आया मेरा माइनस रूट तीन बाई दो माइनस रूट तीन बाई दो और कॉश एक्स बेटा कॉश एक्स क्या आया था कॉश एक्स आया था माइनस वन बाई टू माइनस में वन बाई टू बट एक चीज़ देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल टू से टू कैंसिल ठीक है और टेन एक्स क्या आता है सर टेन एक्स आ गया रूट तीन रूट तीन तो बचा टेन एक्स आ गया रूट तीन आप देखो आप आप तुम बोलोगे सर ये आप टेन एक्स का चेक नहीं करोगे कि ये कौन से क्वार में आता है अरे भैया चेक कर लो यार दुद देखने की आवश्यकता नहीं है खुद ही आके देखो क्योंकि टेन जो एक्स और थर्ड क्वार में आ रहा है एक्स का आ रहा है थर्ड में और थर्ड में टेन टेन क्या होता है थर्ड में टेन होता है प्लस का तो टेन तो प्लस क्या आ रहा है टेन एक्स की वैल्यू और टेन एक्स निकल गया तो अगर हमने टेन एक्स निकाल आप सर कॉट एक्स निकाल सकते हो बेटा कॉट एक्स क्या होता है हमारे पास वन वन अपन में टेन एक्स होता नहीं होता तो सर निकाल लो तो अगर अगर टेन एक्स की वैल्यू रूट तीन आ रही है तो कोट का उल्टा हो जाएगा कोट एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन अपन में रूट तीन तो टेन एक्स के रूट तीन कॉटक्स की वन बाई रूट तीन है ना तो देखो प्यारे बच्चों आप पता क्या कर सकते हो आप ना ऐसे मतलब जब एग्जाम है ना तो एग्जाम इसके बाद लास्ट लिख देना आप लास्ट में लिखकर कि हैंस द तो वैल्यू ऑल टिक्नोमेटिक फंक्शन कि जो हमारी सबकी वैल्यू आ गई ना वो ये आ रही है ठीक है तो कॉटेक्स की वैल्यू वन आ आ, शर, तू, तू, तू बाई रूट तीन आ गई सर टेन एक्स की वैल्यू रूट तीन आ गई और कॉटेक्स एक्स की वैल्यू माइनस टू बाई रूट थ्री सैन एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई माइनस थ्री अपन में माइनस रूट थ्री अपन बाई टू और सेक एक्स की वैल्यू वन अपॉन में सॉरी बेटा सेक एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर सॉरी सर सेग एक्स की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाल दी ये निकाल निकालते बेटा सेग एक्स की वैल्यू क्या आती है माइनस का टू और कॉस एक्स की वैल्यू क्या है सर माइनस का वन बाई टू वो पहले से दिया हुआ था ठीक है तो सर यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू निकाल दी है तो ऐसे ही ना हमें सारे क्वेश्चन करने हैं इसके जो सारे पार्ट है ना वन बाई अब मैं आपको सारे पार्ट करा रहा हूँ तो ऐसे हमें सारे पार्ट करने हैं ठीक है सर इसका पहला पार्ट हो चुका है तो एक काम करते हैं सर चलिए इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन यानी कि अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलिए सर अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर किसी बच्चों को समझ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आया ना कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार ट्राई करेंगे बेटा उम्मीद करता हूँ जरूर आएगा सर यहाँ की आवाज़ जो साइन एक्स के वैल्यू ना रूट तीन बाई पाँच है तो मुझे क्या करना है मुझे कह रहा है कि एक्स लाई ऑन द सेकेंड क्वारेंट जो एक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है ठीक है एक्स आ रहा है सेकंड क्वारंट में कोई नहीं सर सोल्यूशन कर दो आप फटाफट तो देखो प्यारे बच्चों है ना जैसे कि मुझे पता है ना साइन एक्स दे रखा है तो देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है सर थ्री बाई फाइव दे रखी है ठीक है ये साइन की वैल्यू है अब साइन एस की वैल्यू रूट थ्री बाई फाइव है तो यार साइन की सहायता से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ सर साइन के हेल्प से निकाल सकता हूँ मैं साइन का इनवर्स क्या होता है कौशक तो देखो एक चीज़ कन्फर्म है यार मैं कौशक साइन की वैल्यू थ्री बाई फाइव है ना तो अगर क्योंकि एक्स थर्ड क्वार्टर में लाइक सेकंड क्वार्टर में आ रहा है एक्स सेकंड क्वार्टर में आ रहा है तो अगर सेकंड में मुझे पता है साइन प्लस होता है तो कौशक भी क्या होगा प्लस ही होगा तो इसीलिए कौशक के लिए मैं सोचूंगा नहीं कि साइन प्लस आएगा माइनस आएगा ठीक है तो अब मैं निकालूंगा कौशक तो मुझे बताया कौशक्स एक्स इजिक्वल टू क्या होता है सर ये होता है वन अपन में साइन एक्स ठीक है तो जो कौशक एक्स की वैल्यू आ जाएगी आमतौर पर यानी उल्टा आ जाएगा अगर साइन एक्स की वैल्यू तीन बाई पाँच है कौशक का हो जाएगा पाँच बाई तीन ठीक है इनमें तो कोई साइन चेक करूँगा नहीं मैं ये मेरे पास आ गया सर ठीक है अब क्योंकि साइन कॉस एक साइन को और कॉस साइन और कॉस के बीच एक रिलेशन होता तगड़ा वाला है ना कि देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ चलो बेटा देखो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है ठीक है अब मैं यहाँ पर सीधा निकाल रहा हूँ वैल्यू थोड़ा मैं दो एक दो स्टेप गैप कर रहा हूँ तो मैं अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी मुझे तो सीधा मैं क्या करूँगा वन माइनस ये इधर आ जाएगा ठीक है अगर किसी बच्चे का समझ समझ नहीं आया ना तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लो मैंने कैसे किया है अरे अगर इसको एक दो दो तीन स्टेप्स सॉल्व करोगे तो मैं कॉस एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ मैं तो मैं कॉस एक्स को लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना कि जब क्या करूँगा मैं ये साइन स्क्वायर प्लस तो यहाँ का माइनस हो जाएगा और इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट आ जाएगा तो कॉस एक्स इजिक्वल टू तो आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और पूरे ऊपर क्या आ जाएगा रूट और रूट के अंदर की वैल्यू क्या आती है प्लस और माइनस में आती है ठीक है अच्छा बेटा अभी ध्यान दो यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको समझाया था ये मेरा वन माइनस साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू मुझे क्या दे रही है बेटा साइन एक्स की वैल्यू है थ्री बाई फाइव साइन एक्स की वैल्यू है थ्री बाई फाइव तो यानी थ्री बाई फाइव का स्क्वायर कर देंगे तो सर थोड़ा अगर इसको आगे बढ़ाएं तो कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस में थ्री बाई फाइव नहीं सॉरी थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन और फाइव का स्क्वायर क्या होगा ट्वेंटी फाइव अब अब जो तुम इसको इनको सॉल्व करोगे इनको माइनस करोगे ना तो माइनस करने के बाद क्या आएगा बेटा ये पच्चीस में घटाओगे नौ कितना आएगा सोलह तो ये आ जाएगा अंडर रूट अंडर रूट सोलह पॉइंट में पच्चीस ये प्लस माइनस चलता रहेगा बेटा ये प्लस माइनस आता रहेगा प्लस माइनस आएगा है ना फिर जब तो 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 तुम इसको सोल्व करोगे तो सर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा बेटा सोलह किसका स्क्वायर होता है चार का और बेटा पच्चीस किसका स्क्वायर हो, सोलह होता है चार का स्क्वायर अब पच्चीस होता है किसका स्क्वायर पाँच का तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा चार बाई पाँच आ जाएगा है ना सब प्लस मानस के आ जाएगा ये चार बाई पाँच आ जाएगा अब देखो बेटा एक काम और कर लो इसको अगर ये प्लस मानस चार बाई पाँच आ गया ना तो एक काम और कर लो इसको कि मुझे पता है ना यहाँ पर जो एक्स कहाँ लाइक कर रहा है अब मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ मुझे पता है न यहाँ पर एक्स कहाँ लाइक कर रहा है सेकंड क्वार्टर में एक्स कहाँ लाइक कर रहा है सेकंड में तो सेकंड में तो कौन होता है ओनली साइन और कौशक पॉजिटिव होता है सेकंड में कौन होता है सेकंड में तो ओनली साइन और कौशक ही क्या होता है पॉजिटिव होता है है ना बाकी और चीज़ क्या होते हैं बाकी और तो निगेटिव होते हैं ना तो यानी कि सर यहाँ पर कॉस क्या आएगा निगेटिव क्योंकि सेकेंड में तो कॉस निगेटिव होता है कॉस पॉजिटिव कहाँ पर होता है कॉस पॉजिटिव होता है ओनली फोर्थ में तो यानी यहाँ मैं लिखता हूँ कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट इन इन सेकंड क्वाडेंट मैं यहाँ लिखता हूँ इन सेकेंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस एक्स ज नेगेटिव ठीक है जो सर जो मेरे पास सेकंड क्वार है ना जो मेरे पास सेकंड क्वारंट होता है जो मेरे पास सेकंड क्वारेंट होता है सेकंड क्वारिन में साइन कॉस का नेगेटिव है या सेकंड क्वारंट कॉस एक्स इज नेगेटिव ठीक है सेकंड क्वारंट में कॉस एक्स नेगेटिव होता है <Cul> तो सर जो मेरे पास कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर क्या आ जाएगा वो माइनस का, तो का चार बाई पाँच है ना तो सर कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का चार बाई पाँच और अगर कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस का चार बाई पाँच आ गई है ना अगर कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर माइनस का चार बाई पाँच आ गया तो कॉस एक्स में माइनस का चार बाई पाँच आ गया तो मुझे पता कॉस आ गया ना अगर कॉस आ चुका है तो कॉस के इनवर्स क्या होता है सेक तो सर मैं सेक एक्स एजुगल्ट क्या ले सकता हूँ सेक एक्स में फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने सेक एक्स इक्वल टू होता है वो अपॉन में कॉस एक्स तो जो मेरे पास सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना तो सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस उल्टा हो जाएगा ये पाँच ऊपर और चार नीचे है ना तो सर मेरे पास साइन की वैल्यू आ चुकी है कॉसैक कॉस और सेक आ चुका है ये आ चुका है मेरे पास अब मेरे पास क्या रह गया सर मुझे टेन और कॉट रह गया क्या रह गया टेन और कॉट ठीक है तो मैं अगर यहाँ पर निकाल लूँ टेन एक्स देखो बेटा टेन एक्स टेन एक्स बराबर क्या होता है सर सर टेन एक्स निकालना ना तो बेटा टेन एक्स इजल टू होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स अब देखो बेटा साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई सर जो साइन एक्स की वैल्यू आई है वो मुझे ऑलरेडी पहले दी हुई है बेटा कितनी है तीन बाई पाँच अपोन में सर जो कॉश एक्स वैल्यू है कॉश एक्स वैल्यू क्या आइए सर कॉस है ना कॉश एक्स वैल्यू आइए माइनस का चार बाई पाँच क्या आइए सर माइनस का चार बाई माइनस का चार बाई पाँच ठीक है तो देखो प्यारे बच्चों क्या होगा इस फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि टेन एक्स इजिक्वलिटी क्या आ जाएगा माइनस का तीन बाई चार है ना माइनस ऊपर चाहिएगा और चार्ज इसके नीचे आ जाएगा अब देखो बेटा कोई बच्चा बोलोगा सर यहाँ पर इसके लिए टैक्स नहीं करोगे आप एक्स के लिए कि यहाँ पर मतलब टेन एक्स कहाँ आएगा देखो पहली बात यार देखो ये क्योंकि ना मैं मैं टेन एक्स की वैल्यू कहाँ से लाया हूँ मैं वो तो मैं इसको सोल्व करके लाया हूँ पहली बात दूसरी बात ये है यहाँ पर टेन को आ, अब चेक चेक भी कर लो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप मुझे बताए कौन सा क्वारेंट है ये मेरे पास कौन सा क्वारेंट है ये सेकंड एक्स लाई कर रहा है सेकंड में सेकंड में टेन माइनस ही होता है सेकंड में टेन माइनस ही, ही नहीं होता आ रहा है सर माइनस होता है तो जब साइन और कॉज को सोल्व करने पर जो आएगा वो तो आंसर होगा वहाँ पर चेक करने आवश्यकता नहीं है आंसर सही होगा हमारा टेन hmm. एक्स क्या 10X आ गया सर टेन एक्स वैल्यू आ गया माइनस तीन बाई चार अगर टेन ये आ गया तो सर टेन का उल्टा कॉट होता है तो सर कॉट एक्स क्या होगा वन अपॉन में टेन एक्स तो जो कॉट एक्स के वैल्यू आ जाएगी ना उल्टा आ जाएगा ये कॉट एक्स इसका उल्टा हो जाएगा तो माने चार ऊपर और तीन नीचे कोट इस टेन का उल्टा हो जाएगा ना मानस चार ऊपर और तीन नीचे है ना तो सर हो गया मेरे पास सारे वैल्यू निकल गए देखो सर कॉट एक्स की वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री टेन एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई फोर सर सेक एक्स की वैल्यू माइनस फाइव बाई फोर कॉश एक्स के माइनस फोर बाई फाइव और कॉशक एक्स और साइन एक्स हमने निकाल दिए थे पहले ही ठीक है सर तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी फिनिश होता है ठीक है अब चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया है कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या दी हुई थ्री बाई फोर दी हुई है और इस बार एक्स कहाँ लाई कर रहा है थर्ड में एक्स थर्ड में लाई कर रहा है तो एक्स कॉस एक्स इजल टू तो थ्री बाई फोर एक बार सवाल को चेक करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि थर्ड में तो कॉस नेगेटिव होता है यार थर्ड में तो कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है तो सर थर्ड में तो कॉस नेगेटिव होता है तो देखो चेक ऐसे में चेक कर सकते हैं कॉस नहीं है कॉट है ये ये क्या है कॉट है ये ठीक है कॉट रखा है क्योंकि थर्ड थर्ड में तो कॉस नेगेटिव होता है ना इसका नेगेटिव आंसर आना चाहिए था कॉट है यानी मुझे दे रखा है पर कॉट एक्स कॉट एक्स बराबर क्या दे रखा है थ्री बाई फोर तो कोट एक्स बराबर दे रखा है मुझे थ्री बाई फोर तो कॉट एक्स बराबर मुझे थ्री बाई फोर दे रखा ना तो थ्री बाई फोर है सही है अब कॉट एक्स थ्री बाई फोर होता है तो कॉट का इन्वर्स क्या होता है टेन तो मैं सिंपल टेन एक्स निकाल रहा हूँ मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पर आपका एग्जाम पूरा करना है ऐसे दिखा कर मतलब फॉर्मूला लिखना है ठीक है तो क्योंकि टेन एक्स का इनवर्स क्या होता है टेन एक्स का इनवर्स कॉट होता है मतलब टेन के तो कोर्ट मतलब कोर्ट और टेन एक दूसरे के इन्वर्स होंगे ना तो अगर कोर्ट एक्स तीन बाई चार है तो टेन एक्स क्या हो जाएगा चार बाई तीन हो जाएगा ठीक है ये दोनों आ चुके हैं मेरे पास उसके बाद सर कोर्ट भी आ गया टेन भी आ गया अब जब तक ना जब तक तो मैं कॉर्ड का फॉर्मूला किसके साथ होता है कॉर्ड का होता है कौशक के साथ जब तक मैं कौशक नहीं निकालूंगा तब तक तो मैं बाकी नहीं निकाल पाऊँगा कौशिक तो मुझे पता है कि कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है यहाँ पे चाहता हूँ मैं किसक स्क्वायर एक्स इजिक्वल टू होता है कौशक स्क्वायर एक्स इजल टू होता है वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स कॉटक स्क्वायर एक्स इज होता है वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स और अगर मैं यहाँ से मुझे कोशेक की वैल्यू निकालनी है कौशक एक्स का वैल्यू निकालनी है ये स्क्वायर था इधर क्या हो जाएगा इधर आके अंडर रूट में आ जाएगा तो ये आ जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स है ना ये लिख दूंगा सर मैं अब कोशक एक्स टू आ जाएगा वन प्लस में देखो तो सर कोट एक्स की वैल्यू क्या दे है काट एक्स की वैल्यू दे रखी है थ्री बाई फोर कॉट एक्स की वैल्यू क्या है थ्री बाई फोर तो मैं क्या करूँगा थ्री बाई फोर का स्क्वायर करूंगा अभी कॉस एक्स एक्स की ये इक्वल टू है मेरे पास वन प्लस प्लस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और चार का स्क्वायर होता है सोलह ठीक है ठीक है अगर उसको सॉल्व करूंगा ना देखो बटे अगर सॉल्व करें ना तो सिक्सटीन प्लस नौ क्या होगा पच्चीस ये जगह पच्चीस बाईस सोलह जाएगा अगर जब जा मैं इसको कौशक एक्स को सोल्व करूँगा ना तो इसको इस पूरे को सोलू करने में कितना आएगा है ना इसको आएगा पच्चीस बनवा सोलह अब प्लस माइनस इसके अंदर बाहर आता ही है अब जो कौशक एक्स होगा आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए सर ट्वेंटी फाइव तो किसका स्क्वायर होता है फाइव का और सिक्सटीन किसका स्क्वायर होता है फोर का प्लस माइनस आएगा अब यार जो क्वाड्रेंट थर्ड है मुझे दिया है ना एक्स कहाँ लाई कर रहा है थर्ड में तो थर्ड में तो क्या होता है कौशिक निगेटिव होता है थर्ड में तो कौशक निगेटिव होता, तो होता है ना थर्ड में तो ओनली टेन और क्वार पॉजिटिव होते हैं तो इन थर्ड क्वाड्रेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट कौशक एक्स इज निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में कौशक एक्स क्या होता है निगेटिव होता है ठीक है तो जो मेरे पास कौशक एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना सर वो आएगा मेरे पास निगेटिव नेगेटिव बोलो तो सर क्या आएगा मेरे पास मानस का पाँच बाई चार क्या आ जाएगा सर मेरे पास माइनस का पाँच बाई चार आ जाएगा क्या आएगा माइनस का पाँच बाई चार आ जाएगा कौशक ठीक है और अगर कौशक माइनस का पाँच पाँच बाई चार आ गया तो सर कौशक इनवर्स क्या होता है कौशक का इनवर्स इन्वर्स क्या होता है साइन होता है कौशक इनवर्स साइन होता है तो सर साइन एक्सल्टी क्या आ जाएगा उल्टा हो जाएगा ना माइनस तो रहेगा पर चार ऊपर और पाँच नीचे तो कौशक भी आ गया साइन भी आ गया ठीक है अब को टेन कौशक साइन आ गया मेरे पास ठीक है अब सर अगर देखा जाए तो मेरे पास सर क्या रह गया मेरे पास साइन और कॉस रह गए क्या रह गए साइन और कॉस रह गए अब सर साइन और कॉस कैसे निकालना पड़ेंगे मुझे साइन के साइन के है है ना ये मुझे इसके उस पर निकालने पड़ेंगे क्या चीज़ मिले रह गए सर साइन और कॉस रह गए ठीक है नहीं सैक और कॉस क्या रह गए कॉस और सैक कॉस और सेक, सेक रह गए और थोड़ा यहाँ पर दिक्कत वाली मतलब इसको थोड़ा लेंदी सवाल जा सकता है क्योंकि देखो साइन एक्स बराबर मुझे क्या दिया हुआ है साइन एक्स बराबर माइनस फोर बाई फाइव दिया हुआ है तो मुझे कॉस निकालना है तो यार अगर सिंपल मैं है ना इस बार चलो डायरेक्ट लो लो साइन स्क्वायर एक्स तुम लोग खन जाओगे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू तो कितना होता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स टू क्या होता है वन तो अगर मुझे कॉस एक्स वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है तो कॉस एक्स टू क्या होगा मेरे पास वन माइनस और साइन एक्स की वैल्यू क्या आई सर साइन एक्स की वैल्यू आई है माइनस फोर बाई फाइव का स्क्वायर यहाँ पर प्लस माइनस लगा दो आप तो कॉस एक्स बराबर क्या आ जाएगा सर ये आ जाएगा बेटा प्लस माइनस और सर अगर वन माइनस और चार चार बाई पाँच का स्क्वायर क्या होगा चार का स्क्वायर सोलह और पाँच का स्क्वायर क्या होगा हो हो सर पच्चीस तो कॉस एक्सल्ट हो जाएगा बेटा, बेटा प्लस माइनस अगर इसको सोल्व करोगे ना तो देखो बेटा पच्चीस में से घटाओगे सोलह क्या आएगा नौ नौ अपन आएगा पच्चीस ठीक है और कॉस एक्सीजल टू तो बेटा नाइन किसका स्क्वायर होता है सर थ्री का बेटा पच्चीस किसका स्क्वायर होता है पाँच का अब प्लस माइनस लिख देंगे ये कौन से क्वार्रेंट की बात कर रहा है सर ये कहाँ लाई कर रहा है एक्स कहाँ लाई कर रहा है एक्स लाई कर रहा है थर्ड में सर थर्ड में तो कोर्स माइनस होता है थर्ड में कोर्स क्या होता है माइनस तो इन इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस एक्स इज़ नेगेटिव तो बेटा कॉस एक्स क्या होता है निगेटिव होता है इसलिए सर मैं कॉस एक्स बराबर क्या लिखूँगा माइनस का तीन बाई पाँच इसलिए मैं कॉस एक्स बराबर सर क्या लिखूँगा माइनस का तीन बाई पाँच अगर कॉस एक्स बराबर माइनस का तीन बाई पाँच लिखा ना तो कॉस का कॉस एक्स का इनवर्स क्या होता है कॉस एक्स का इनवर्स क्या होता है सर सेक एक्स होता है तो अगर कॉस मेरे पास माइनस तीन बाई पाँच है ना तो सेक क्या हो जाएगा माइनस पाँच बाई तीन कॉस माइनस तीन बाई पाँच है तो सेक क्या हो जाएगा माइनस पाँच बाई तीन हो जाएगा सर ठीक है सेक हो जाएगा माइनस पाँच बाई तीन ठीक है सर तो इसी के साथ मेरे पास सर कॉस एक्स की वैल्यू माइनस तीन बाई पाँच सेक एक्स की वैल्यू माइनस कॉश एक्स की वैल्यू माइनस तीन बाई पाँच सेक एक्स की वैल्यू माइनस पाँच बाई तीन साइन एक्स की वैल्यू माइनेस चार बाई पाँच एक्स की वैल्यू पाँच बाई चार टेन एक्स की वैल्यू चार बाई तीन और कॉट एक्स की वैल्यू तीन बाई चार यह सर हम कर चुके हैं ठीक है तो उम्मीद है बे बिट, बेटा आप लोग थोड़ा धीरे धीरे समझ रहे होंगे चीज़ों को अगर ये हो चुका है तो एक काम करते हैं बेटा आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसके तरफ फोर्थ की तरफ देखिए सर मुझे बताया गया है कि अगर सेक एक्स की वैल्यू तेरह बाई पाँच है तो और एक्स लाई करता है कौन से फोर्थ क्वारेंट में ठीक है अगर जो सेक एक्स की वैल्यू तेरह बाई पाँच अगर सेक एक्स की वैल्यू तेरह बाई पाँच आ रही है तो सेक एक्स की वैल्यू आ रही है तेरह बाई पाँच और एक्स कहाँ कर रहा है एक्स आ रहा है फोर्थ क्वारेंट में ठीक है एक्स मेरा फोर्थ आ रहा है तो इसको सर सोल्व कैसे किया जाए दो मिनट मैंने आपको क्या कहा था कुछ नहीं आप सोल्यूशन लिख दो करना चालू कर दो ठीक है तो सर सेक एक्स बराबर क्या सर सेक एक्स बराबर है मेरे पास थर्टीन बाई फाइव इसमें मुझे दिया हुआ है तो मुझे पता है सेक एक्स का इनवर्स क्या होता है कॉस एक्स तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी फाइव बाई थर्टीन कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई थर्टीन तो सेक एक्स की वैल्यू थ्री थर्टीन बाई फाइव है कॉस सेक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई थर्टीन सेक भी आ चुका है कॉस भी आ चुका है और सेक और कॉस के बाद क्या निकालूंगा मैं टेन निकालना पड़ेगा हैं है ना तो सेक और कोस आ चुके हैं एक हम बोलो बेटा कॉस के साथ क्या निकाल लेते हैं पहले साइन निकाल लेते हैं ठीक है कॉस के साथ क्या निकाल लेते हैं साइन फिर बाकी तो अपन आप आ जाएंगे ठीक है कॉज के बड़े हेल्प से साइन निकालेंगे तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा बराबर वन होता है तो अगर मुझे साइन निकालना है तो मैं साइन साइन एक्स में डायरेक्ट साइन कर रहा हूँ क्या करूँगा सर में? मैं मैं साइन एक्स की जगह क्या ले सकता हूँ सीधा प्लस माइनस वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना ठीक है सर तो साइन एक्स जो हो जाएगा मेरे पास मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ यहाँ पर अब सर ये देखो वन माइनस कॉस बेटा कॉस एक्स की वैल्यू क्या आती है बेटा फाइव बाई थर्टीन थी क्या आती फाइव बाई थर्टीन इस पूरे का स्क्वायर करेंगे ठीक है तो साइन एक्स इजिक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस और वन माइनस फाइव का स्क्वायर होगा पच्चीस और थर्टीन का स्क्वार हो जाएगा वन सिक्स नाइन अब देखो बेटा साइन एक्स इजल टू आ जाएगा प्लस माइनस ठीक है अब देखो बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा वन सिक्सटी फाइव में से ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कटाओगे तो ये आ जाएगा वन फोर्टी फोर अपॉनवी सिक्सटी नाइन तो साइन एक्स इजिक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अब देखो वन फोर्टी फोर किसका स्क्वायर है ट्वेल्व का वन सिक्सटी नाइन किसका स्क्वायर है थर्टीन का अब कौन सा क्वारेंट है फोर्थ क्वारंट एक्स कहाँ आ रहा है फोर्थ में फोर्थ में साइन माइनस होता है फोर्थ में साइन क्या होता है माइनस तो इन क्वार फोर्थ इन क्वाडेंट इन क्वाडेंट फोर्थ इन क्वारेंट फोर्थ साइन एक्स इज नेगेटिव इन क्वार फोर साइन एक्स इज नेटिव इन क्वार फोर साइन एक्स क्या होता है नेगेटिव होता है तो यानी सर साइन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी बेटे तो के आ जाएगी माइनस का ट्वेल्व बाई थर्टीन सर साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का ट्वेल्व है ना साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस का ट्वेल्व ट्वेल्व बाई थर्टीन आ जाएगी और अगर साइनक्स की वैल्यू माइनस ट्वेल्व बाई थर्टीन आ गई तो साइन एक्स का इनवर्स क्या होता है कॉशेक एक्स क्या होता है बेटा कौशक एक्स कौशक्स का उल्टा हो जाएगा माइनस थर्टीन बाई ट्वेल्व क्या देगा बेटा माइनस थर्टीन बाई ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है मैं चार निकाल चुका हूँ मेरे वैल्यू बेटे कितना आंसर आ गए मेरे चार वैल्यू में आराम से निकाल चुका हूँ ठीक है अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा टेन के निकालूंगा बेटा तो अगर मुझे टेन निकालना था तो बेटा टेन एक्स टू क्या होता है बेटा टेन एक्स इजिक्वल टू होता है साइन एक्स पोन में कॉश एक्स ठीक है सर टेन एक्स टू क्या होता है साइन एक्स पोन में क्या होता है टेन एक्स वैल्यू होती है सर साइन साइन एक्स साइन एक्स पोन में कॉश एक्स ठीक है तो टेन एक्स इजिक्वल टू साइन एक्स पोन कोश एक्स होता है बेटा साइन एक्स की वैल्यू कितनी है सर साइन एक्स वो एलेवीन निकाली माइनस ट्वेल्व बाई थर्टीन माइनस ट्वेल्व बाई थर्टीन और कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकाली सर कॉस की वैल्यू निकाली फाइव बाई थर्टीन क्या निकालिए फाइव बाई थर्टीन तो सर थर्टीन से थर्टीन कैंसिल क्या थर्टीन से थर्टीन कैंसिल तो टेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वेल्व ऊपर और फाइव नीचे क्या सर माइनस ट्वेल्व ऊपर और फाइव नीचे ठीक है तो माइनस ट्वेल्व बाई फाइव और टेन एक्स की वैल्यू ये आ गई तो टेन एक्स का उल्टा क्या होता है इनवर्स क्या होता है कॉट एक्स तो कोट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस फाइव बाई ट्वेल्व की वैल्यू क्या आ जाएगी सर माइनस का फाइव बाई ट्वेल्व आ जाएगा सर तो कोट एक्स वैल्यू आ जाएगा माइनस का फाइव बाई ट्वेल्व तो टेन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेल्व बाई फाइव और कॉटक्स का आ जाएगा माइनस पाँच बाई बारह है ना तो सर मैं टेन एक्स और कोट एक्स इन सब की वैल्यू निकाल चुका हूँ ठीक है तो प्यारे बच्चों यार इसी के साथ ये मेरा क्वेश्चन नंबर फोर भी क्या होता है एंड होता है ठीक है अरे कोई उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा सर अब ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर हो, हो चुका है एक काम करते हैं अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक ठीक है हमारे पास सर क्वेश्चन नंबर फाइव है और सर क्वेश्चन नंबर फाइव के कहता है क्वेश्चन नंबर फ़ाइव ये बोलता है कि सर टेन एक्स बराबर क्या दिया हुआ है माइनस का पाँच बाई बारह कहाँ करता है ये सेकंड में आता है बिल्कुल सेकंड में टेन तो माइनस ही होता है सही लिखा है ठीक है तो ये सॉल्यूशन हो गया अब जरा बेटा अगर सिंपल से बात है यहाँ टेन एक्स बराबर लिखा है तो टेन एक्स बराबर लिखा है माइनस पाँच बाय बारह तो मुझे बताओ टेन का एनिवर्स क्या होता है कोर्ट होता है तो अगर टेन एक्स बराबर माइनस पाँच बाई बारह है ना तो देखो बेटा कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बारह बाई पाँच अगर टेन एक्स बराबर माइनस पाँच बाई बारह है तो बेटा कोट एक्स बराबर क्या होगा माइनस बारह बाई पाँच खत्म ठीक है और टेन आ गया आपने टेन का निकाल लिया कोर्ट का निकाल लिया तो देखो बेटा हम क्या कर सकते इसकी इसके साथ टेन और कोर्ट के साथ से हम टेन से ना अगर बाकी टेन तो कोड निकाल रही तो बाकी मुझे निकालना पड़ेगा पहले तो टेन के साथ ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे पहले टेन के हेल्प से मेरा क्या निकल सकता है सर मेरा सेक निकल सकता है एक कोशक निकल सकता है तो सेक निकलेगा क्या निकलेगा सेक तो क्योंकि मुझे पता है कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता था ठीक है तो अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा निकालना है ना देखिए मुझे सेक सेक थीटा निकालना है यानी सेक एक्स निकालना है तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थ्रीटा है ना तो सर सेक एक्स इज्वल टू हो जाएगा मेरे पास वन प्लस बेटा टेन एक्स की वैल्यू तो क्या दे रखी है टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस पाँच बाई बारह दे रखी है ठीक है तो सेक एक्स बराबर क्या है मेरे पास ये आ जाएगा बेटा वन ये स्क्वायर आएगा ना यहाँ पर तो प्लस आएगा पाँच का स्क्वायर होगा पच्चीस अब बारह का स्क्वायर होगा एक सौ चवालीस सो जिसको सोल्व करोगे तो सर सेक एक्स बराबर क्या होगा देखो सर वन फोर्टी फोर में वन ट्वेंटी फाइव ऐड करोगे ना ये आ जाएगा मेरा वन सिक्सटी नाइन क्या आएगा वन सिक्सटी नाइन अपन में वन फोर्टी फोर और ये आएगा प्लस माइनस दोनों का क्या आएगा प्लस का भी, भी आ सकता है और ये माइनस का भी आ सकता है जो सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना वन सिक्सटी नाइन किसका स्क्वायर होता है थर्टीन का वन फोर्टी फोर किसका होता है बारह का ये प्लस माइनस दोनों आ सकता है आप देखो सेक एक्स ये है ना तो टेन ये यहाँ पर एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड में तो सेकंड में तो ठीक है तो सेकंड में तो मेरा टेन क्या होता है सेक क्या होता है माइनस होता है तो इन क्वाड्रेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट इन सेकंड इन सेकंड क्वाड्रेंट सेक एक्स इज नेगेटिव सेक एक्स क्या होता है निगेटिव होता है है ना तो जो मेरे पास सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना सर क्या नेगेटिव आ जाएगी तो माइनस का थर्टी नपोन में ट्वेल्व हो जाएगा सर सेक एक्स सेक एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का अपॉन में ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है थर्टीन पॉइंट पर ट्वेल्ल से सेक आ गया और अगर सेक थर्टीन पॉइंट ट्वेल आ गया तो सेकंड नंबर क्या होता है सर भैया सेकंड नंबर होता है कॉस तो कॉश अख्स उल्टा हो जाएगा माइनस ट्वेल्व पॉइंट में थर्टीन कौश उल्टा हो गया माइनस ट्वेल्व पोन में थर्टीन अब सेक भी आ गया कॉस भी आ गया अब दो दो ऑप्शन है या तो कॉस के साथ ऐसे साइन निकाल दो कॉस के साथ साथ ऐसे क्या निकाल दो साइन या कॉट के हेल्प से पता क्या निकाल दो कॉल के हेल्प से पहले कौशक निकाल दो और कॉस की हेल्प से क्या निकाल देना साइन निकाल देना ये भी ऑप्शन मेरे पास सही है चलो मैं लिख देता तो हूँ मुझे पता है ना कि कौशक स्क्वायर एक्स इजिक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और अगर मुझे कौशक एक्स निकालना है तो ये होगा वन माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और कोशक एक्स इज्वल टू क्या होता है वन माइनस बेटा कॉट एक्स की वैल्यू क्या दे है सर कॉट एक्स की वैल्यू है माइनस बारह बाई पाँच कॉट एक्स की वैल्यू है माइनस तो का बारह बाई पाँच यानी इस पूरे का स्क्वायर करना है तो कोट एक्स वैल्यू है माइनस का बारह बाई पाँच कोई दिक्कत नहीं बेटा तो कोशक एक्स बराबर हो जाएगा सर ये माइनस रहेगा सर बारह का स्क्वायर क्या होगा बेटा बारह का स्क्वायर हो जाएगा सर ये वन फोर्टी फोर और बेटा पाँच अच्छा। का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा पच्चीस अच्छा सॉरी बेटा ये नहीं माइनस कहाँ से आ गया तो प्लस ही रहेगा ना ये तो प्लस ही रहेगा मेरा बेटा ये तो प्लस ही है ये प्लस ही है है ना प्लस ही रह तो यार तो सर इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव में वन फोर्टी फोर एड करोगे वन सिक्सटी नाइन एप ट्वेंटी फाइव आ जाएगा वो भी अंडर रूट में और बाहर प्लस माइनस सर कॉशिक एक्स इजल्टू क्या हो जाएगा सर वन सिक्सटी नाइन किसका स्क्वायर होता है थर्टीन का और ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर होता है फाइव का ठीक है अब कौन सा क्वारेंट है सर ये ये मेरे पास सर कौन सा क्वारेंट का रहे एक्स लाइन सेकंड क्वारेंट हाँ सेकंड में तो कौशिक और साइन प्लस होते हैं सेकेंड में तो कौशेक और साइन प्लस होते हैं तो लिख देंगे इन सेकंड क्वारेंट इन क्वाड्रेंट सेकंड कोशक एक्स इज पॉजिटिव बेटा कौशक एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता कोश इसमें तो जो कौशक जो कौशक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वो थर्टीन बाई फाइव आ जाएगी और कौशक एक्स का इनवर्स क्या होता है हमारा साइन कौशक एक्स का इनवर्स क्या होता है सर हमारा सर कौशक एक्स का इनवर्स होता है हमारे पास क्या साइन एक्स तो सर साइन एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव बाई थर्टीन कौश एक्स की वैल्यू थर्टीन बाई फाइव तो साइन एक्स क्या आ जाएगी फाइव बाई थर्टी है ना आप देख सकते हो सर मैंने कौशक एक्स की वैल्यू निकाल दी और है ना कौशक एक्स की वैल्यू आ चुकी है सर कौशक एक्स की वैल्यू क्या है थर्टीन बाई फाइव और मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू आई फाइव बाई थर्टीन तो साइन एक्स की वैल्यू फाइव बाई थर्टीन कॉस एक्स की वैल्यू थर्टीन बाई फाइव कॉस एक्स की वैल्यू माइनस ट्वेल्व बाई थर्टीन सेक एक्स की वैल्यू माइनस थर्टीन बाई ट्वेल्व कॉट एक्स की वैल्यू माइनस ट्वेल्व बाई फाइव टेन एक्स की वैल्यू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व ये मेरे सर सारे जो हैं वैल्यू आ चुके हैं सारे फंक्शन के